प्यास लगी थी बड़ी गजब की पर पानी में जहर था। प्यास लगी थी बड़ी गजब की पर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल नहीं हो पाए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हो पाए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतों तो बहुत है तुझसे जिंदगी, बस चुप इसलिए हूँ कि जो तूने दिया है वो भी शायद बहुतों को नसीब नहीं होता। तो अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो वही है, जितना है आपके पास उसमें खुश रहिए, क्योंकि बहुतों को जो चीज़ आपको मिली है वो नसीब नहीं होता है। और बस उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जिंदगी में, उससे बेहतर आप क्या कर सकते हो, क्या उसमें बेहतर पल ला सकते हो, क्या जोड़ सकते हो। इसलिए शिकायतें बंद कीजिए और मेहनत कीजिए और काम कीजिए। देखिए, प्रोफाउंड आपके सामने जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो 91 से है और यहाँ से हम टोटल 100 वर्ड को टच करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। गहरा है तो इसका सतही इसका एंटोनिम हो जाएगा। गहरा है तो इसका सतही क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब इसके कुछ सरणी मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रोफाउंड तो है, प्रोफाउंड है, गोर्ज हो जाएगा आपके सामने, जॉर्ज जिसको बोलते हो आप, है ना। आप गल्फ भी लिख सकते हो, गल्फ। आप नादिर भी लिख सकते हो गहरे के लिए, ठीक। आप बॉटम भी लिख सकते हो। और एक आपने पढ़ेगा सब्टीरेनियंसी, है ना, सब्टीरेनियंसी, ठीक है, सब्टीरेनियन। ये सब का मतलब क्या होता है, गहरा होता है। अगर मैं इसके उल्टी की बात करूँ, देखिए यहाँ पर प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड का यहाँ उल्टा हो जाएगा आपके सामने सेलो, सतह। तो आप सेलो लिख सकते हैं। आप सरफेस भी लिख सकते हैं, फॉर नो डाउट सरफेस लिख सकते हैं। अच्छा, नादी रहते हैं, जेनिथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी आपके सामने एक वर्ड आ जाता है कैविटी। ये चार वर्ड है मेरे दोस्त, आप सारे लिख सकते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने राधे राधे नहीं बोला, तो राधे राधे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग के सामने नेक्स्ट वर्ड है ओबियस। देखिए, इसमें ना एक वर्ड मेरे को मिल रहा है, टोरबिड। टोरबिड मतलब होता है धुंधला। टोरबिड मतलब क्या होता है, धुंधला, जो अस्पष्ट नहीं है। टोरबिड मतलब क्या लिख सकते हो, कि जो अस्पष्ट नहीं है, ठीक है, उसको टोरबिड बोलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक सामने आपके सामने वर्ड आया है ओबियस का, ठीक है। आपके सामने एक वर्ड आया है ओबीएस का, ठीक है। देखिए लिखा ओबीएस, ओबीएस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ओबीएस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धुंधला है। सिंपल, बहुत सारे वर्ड बनेंगे और सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अस्पष्ट का मैं लिखना शुरू करता हूँ। एक तो आपके सामने ओबीएस है ना, ओबीएस है, और इसी के उल्टा चल जाएगा तो आपके सामने एक वर्ड जाता है ओपेक्यू, है ना, या फिर एक और मेरा जितना वर्ड है ऑब्स्क्योर। ये दो वर्ड है, और मैं आता हूँ। एक वर्ड आता है आपके सामने अपेरेंट होता है, अपेरेंट। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। और भी वर्ड है, चलिए और भी देखते हैं। एक वर्ड है आपके सामने इविडेंट, इविडेंट लिख सकते हो। और भी वर्ड है, एक्सप्लिसिट लिख सकते हो, एक्सप्लिसिट लिख सकते हो। और भी वर्ड है, इक्वी वोकल लिख सकते हो, इक्वी वोकल लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अपेरेंट है, इविडेंट है, एक्सप्लिसिट है, इक्वी वोकल है, लूसेंट भी है, लूसिड जिसको बोलते हैं, लूसिड, लूसिड क्या है, लूसिड है। आप पेलुसिड भी ले सकते हो, ठीक है, लूसिड है। एक वर्ड आपके सामने छूट गया मेरा, डिस्टिंक्ट। इतने सारे वर्ड हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। एक यहां पर मैंने अभी बताया कि टोरबिड एक वर्ड आया, तो आप यहां पे एक टोरबिड वर्ड भी ऐड कर सकते हो। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने सरोनिम और एंटोनिम को लेकर। आप अस्पष्ट का धुंधला, जिसमें होता है अस्पष्ट का उल्टा धुंधला, जैसे कुछ लिखा होता है। आप इसमें लेजिबल भी एक वर्ड डाल सकते हो, लेजिबल और इलेजिबल, ये भी वर्ड हो सकता है। लेजिबल मतलब पढ़ा रहा है, इलेजिबल मतलब इतना धुंधला है कि पढ़ा ही नहीं रहा है, समझे। तो इलेजिबल, इलेजिबल, ये दोनों वर्ड हो गए। तो चलिए इस चीज को मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट वर्ड में हम लोग जाते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इनोरमस। इनोरमस मतलब क्या होता है, बड़ा, विशाल। इनोरमस मतलब क्या होता है, बड़ा, विशाल। इनोरमस मतलब क्या होता है, बड़ा, विशाल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा, है ना, छोटा, छोटा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड इसमें। अच्छा, उसका मैंने सरणी बता दिया ना आपको, देखिए यहाँ पे ओबीएस सरणी में आपका, तो इसका उल्टा एम्बिगुअस हो जाएगा। बाकी इविडेंट, इनहेरेंट, अपेरेंट सब इसके सरणी होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इनोरमस, इनोरमस बड़ा, तो छोटा का कुछ सेंस आना चाहिए, यानी नेग्लिजिबल, ये आपका आंसर होता है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सरणी में जाएंगे। देखिए एक सवाल इसमें बना हुआ है ना, अस्टम्बल, अस्टम्बल। इसमें आपके सामने वर्ड लिखा हुआ अस्टम्बल, STUMBLE, अस्टम्बल। अस्टम्बल मतलब होता है रुकावट, जब रास्ते में कोई रुकावट हो, कोई ठोकर हो, ये सबको क्या बोलते हैं, अस्टम्बल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये आप, अब हम लोग पढ़ते हैं इनोरमस, विशाल का सिनोनिम, इनोरमस। एक आपके सामने वर्ड आता है वास्ट, वास्ट भी आपने पढ़ा होगा, वास्ट।
इनॉर्मस होता है, ठीक है। तो इनॉर्मस से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है इमेंस, इमेंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और होता है ह्यूज है, आपके सामने यहाँ ह्यूज है तो आपके लिए गिगांटिक भी लिख सकते हो, गिगांटिक मतलब भी बड़ा होता है। दो वर्ड मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है, एक बताया था मैमूथ, मैमूथ की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इसका डबल एम ओ होता है। और एक वर्ड होता है कोलोसल, कोलो डबल एस होता है ए, कोलोसल। इतने सारे वर्ड होते हैं, आप याद रखिए। देखिए मैमूथ है, मैसी भी लिख सकते हैं वो आप, मैमूथ का मैसी भी लिख सकते हो। अब छोटा का कितने सारे वर्ड, एक तो यहाँ पे है नेग्लिजिबल, आप लिख सकते हो नेग्लिजिबल है ना। एक है माइनस लिख सकते हो, माइनस क्यूल लिख सकते हो, यहीं पे आप क्यूल जोड़ दीजिएगा इसी में, ठीक है, माइनस क्यूल हो जाएगा। और मिनट लिख सकते हो, मिनट मतलब भी छोटा होता है। और भी लिख सकते हो, माइक्रो लिख सकते हो, माइक्रो, और यहाँ मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड आपका जो छूट रहा है वो है टाइनी, टाइनी मतलब भी क्या होता है, छोटी, छोटा, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड है ना, इनॉर्मस, वास, इमेंस, ये सब सारे वर्ड सारे याद रखें आपका, है ना, और कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ये सारे वर्ड डिलीट करता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है कि माई ब्रदर हैज बिकम वेरी फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर, लॉन्गिनेस, बड़ी लंबी बीमारी थी जिसके कारण मेरा भाई क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ताकतवर, है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ताकतवर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर फ्रेल का उल्टा क्यों क्या हो जाएगा, वायलेंट गलत बात है, फीबल मतलब कमजोर होता है, ठीक है। तो आप फीबल कमजोर में लिख सकते हो, ये सरनिम हो जाता है इसका, और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग है ना ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो अब ताकतवर में क्या क्या वर्ड है, मैं आपको क्या क्या बता चुका, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। ब्रेव बताया था मैंने, बोल्ड बताया था मैंने, ये दो वर्ड मैंने बताए थे, और भी बताया था, जैसे वैलियंट बताया था, इसी से मिलता जुलता वर्ड मैंने गैलांट बताया था, गैलांट, और भी मैंने वर्ड बताया था, एक था ओडेसियस बताया था, ओडेसियस, इतने सारे वर्ड। एक वर्ड बताया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप स्टडी हैं, S-T-U-R-D-O, स्टडी मतलब हेल्दी होना, हेल्दी होना, फिट होना, ताकतवर होना, स्टडी, ठीक है। ये भी पूछा हुआ सवाल है ECG में। अब कमजोर का मैं क्या लिख सकता हूँ, फीवर लिख सकता हूँ, फ्रेल लिख सकता हूँ, ये दो वर्ड इससे हो जाएगा। एक मीक लिख सकता हूँ, मीक, एक वीक लिख सकता हूँ। अब मैं जब वीक लिखता हूँ तो वीक से मैंने बताया था बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, W फॉर विम्पी हो जाता है, E फॉर एफिट हो जाता है, A फॉर अस्थैनिक हो जाता है, अस्थैनिक, इतना सारे वर्ड आते हैं इधर से हो जाते हैं। और भी वर्ड मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो डेलीकेट, जैसे सीसा डेलीकेट होता है, मतलब आसानी से टूट जाए। एक इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट मतलब क्षमता नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके कमजोर और ताकतवर में, आप ये सारी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और चलिए डिलीट करता हूँ मैं ये सारे वर्ड, और अच्छा डिलीट करने की ज़रूरत क्या है, आगे ही बढ़ जाता हूँ सीधा, क्या नहीं अच्छा वर्ड है, डिलीट कर दूंगा तो ज़्यादा फायदा बनेगा, ठीक, स्पेस मिलेगा। लाइफ में भी ना स्पेस चाहिए, स्पेस मतलब इन द सेंस टाइम के मैटर में, कि आप जब काम करो तो थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। देखिए एक वो लिखा हुआ है कि द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी, यहाँ पर माइजर का आपके एंटोनिम पूछा, माइंडर मतलब क्या होता है, कंजूस। और मैं शौक हूँ कि कंजूस के बारे में इतने सारे वर्ड लिखे जा सकते हैं, कंजूस का उल्टा जाएगा खर्चीला, खर्चीला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये जो स्पेंड थ्रिप्ट है ना, स्पेंड थ्रिप्ट मतलब होता है खर्चीला, स्पेंड थ्रिप्ट, थ्रिप्ट, स्पेंड थ्रिप्ट मतलब क्या होता है, खर्चीला। और भी आप जैसे लेविस लिख सकते हो, लग्जरी लिख सकते हो, लेविस लग्जरी है। और भी मैं वर्ड की बात करूँ तो एक्स्ट्रा वैगन्स लिख सकते हो, एक्स्ट्रा वैगन्स। अच्छा एक वर्ड कंजूस में होता है फ्रूगल, और यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा प्रोडिगल। ये दोनों अंतर याद रखिएगा कि फ्रूगल मतलब कंजूस है, प्रोडिगल मतलब खर्चा करने वाला, ठीक। एक होता है कॉपियस, कॉपियस मतलब ये होता है बहुत बड़ा, और एक होता है बॉन्टीफुल, ठीक है, बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल, है ना, बी ओ यू है ये, बॉन्टीफुल। तो स्पेंड थ्रिफ्ट है, लेवी से लग्जरी, एक्स्ट्रा वैगेंस है, प्रोडिगल है, कॉपियस है, बॉन्टीफुल है। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके खर्चीले में और कंजूस में आते हैं। तो फ्रूगल एक आपका वर्ड हो जाता है, एक इकोनॉमिकल आता है, इकोनॉमिकल, फ्रूगल है, इकोनॉमिकल, कंजूस है, माइजर भी आप एक वर्ड इसमें ऐड कर सकते हो जो खर्चा नहीं करते। ये तीन वर्ड है जो डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। एक वर्ड जो बार बार रिपीट होता है, पार्सिमोनियस। हालांकि जो पारसी लोग होते हैं वो कंजूस नहीं होते हैं, वो खर्चीले होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, लेकिन यहाँ पार्सिमोनियस एक वर्ड आ गया है तो समझिएगा कि ये कंजूस होगा, ठीक है, उल्टा हो जा रहा है। पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, फ्रूगल मतलब कंजूस, फ्रूगल से प्रोडिगल याद रखें, इकोनॉमिकल से एक्स्ट्रा वैगेंस सब याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये चार वर्ड तो अभी तक हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसमें भी तीन वर्ड अगर आप पहले भी पढ़े हुए हो तो आप तीन वर्ड जरूर इसमें ऐड करें, और वो है आपके सामने टाइट वार्ड, टाइट वार्ड, टाइट वार्ड मतलब भी कंजूस होता है, अस्क्रूज, अस्क्रूज मतलब भी कंजूस होता है, और अस्किन फ्लिंट, अस्किन फ्लिंट, अस्किन फ्लिंट, इसका मतलब भी कंजूस। और आप ध्यान रखिएगा कि यही
तीनों से आगे जाके कहीं ना कहीं सवाल बनने वाला है। ये भीबीआई पोर्ट्रेट ऑप्शन हो गए, यदि ये दिमाग में आया है, न्यू वर्ड आ रहा है, तो ये वर्ड से जरूर जरूर सवाल बनेगा। आप इस चीज को नोट डाउन करके लिख के याद करके सब रखें, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है इराडिकेट। इराडिकेट जैसे मैंने अभी मैंने क्या किया, जितना भी लिखा था सबको इराडिकेट कर दिया। इराडिकेट मतलब मिटाना, समाप्त करना, ठीक है, मिटाना, समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बनाकर रखना, बनाकर रखना, बनाकर रखना, है ना, ठीक है। तो बनाकर रखने में मैं तीन ही वर्ड लिखूंगा क्योंकि अभी तक तो तीन ही वर्ड है, रीस्टोर, है ना, सेव करना, कंजर्व करना, ठीक है। तो ये तीन वर्ड है जो बनाकर रखने में, और समाप्त करने वाले में बहुत सारे वर्ड है। एक्चुअली मैं 4C की थ्योरी लेकर आता हूँ आपके सामने, जिसमें आप लिख सकते हो सी, लिखना सी, सी मतलब क्या होता है ना, कंक्लूड करना, सी मतलब इसे कंक्लूड करना, कल्मिनेट करना, ठीक है, और कंज्यूम करना मतलब खा पी के कंज्यूम करना। तो समाप्त करने में चार वर्ड 4C की थ्योरी, सीज करना, कंक्लूड करना, कल्मिनेट करना, कंज्यूम करना। अच्छा और भी मैं वर्ड देखता हूँ, एक तो आपके सामने इराडिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इराडिकेट ये तो भूलना नहीं है आपको, इराडिकेट, ठीक है। ये लिखा है अबोलिश करना, यहाँ भी लिखा हुआ है अबोलिश करना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। कल्मिनेट मैंने लिखा चुका हूँ, ठीक है। और भी वर्ड देखते हैं, एक्सटिंग्विश मतलब पूरी ऊर्जा अपने शरीर के खत्म हो जाना, समाप्त होना, एक्सटिंग्विश। और एक वर्ड है आपके सामने एक्सटिंग्विश का, इराडिकेट तो लिखा हुआ है एक्सटिंग्विश, और एक और वर्ड है एक्सपंज, इसका भी मतलब क्या होता है, समाप्त करना। तो 4C की थ्योरी है, एबोलिश है, एक्सटिंग्विश करना, एक्सपंज करना, और भी वर्ड आप लिख सकते हो, तो टर्मिनेट करना, दिस ट्रेन टर्मिनेट हियर, सिंपल है, ठीक है। चलिए ये इधर हो गया और इधर हो गया, चलो ठीक है। इराडिकेट का सारे वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, सारा वर्ड आप अच्छे साथ रखिए। एक वर्ड मैं पूछूंगा जिसको मैं आपको बताया था इससे पहले, और वो वर्ड है डिवोर, DEVOUR, डिवोर, ठीक है, DEVOUR, डिवोर। डिवोर मतलब क्या होता है, अब बताओ कितने लोग जानते हो, कुछ सोचो, बताओ बताओ। डिवोर मतलब जब आप लबालब 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 खा खा कर सब खत्म कर देते हो ना, तो एक तरह से खाना भी समाप्त कर देते हो, मतलब तेजी से खा 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 के पूरा पार्टी का सारा खाना समाप्त कर दिया, मतलब आप डिवोर किए हो, ठीक है। डिवोर लबालब को खा गया खाना, पूरा सारा खाना समाप्त कर दिया, उसको बोले डिवोर, ठीक है। जब खाना समाप्त होता है तो उसके लिए डिवोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ये वर्ड मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी इधर से डिलीट होगा, ये भी इधर से डिलीट होगा, ये भी डिलीट। किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि मुझे डिलीट का एंटोनिम और सिनोनिम बताना पड़े है ना, संभव है, प्रैक्टिकल है। देखिए क्वाइटनेस मतलब होता है शांति, क्वाइटनेस मतलब क्या होता है, शांति। तो शांति, शांत मैं एक वर्ड बताता हूँ शांत, और इसका उल्टा मैं बताता हूँ कोलाहल। ये सारे वर्ड आप लिखिएगा, बड़ा मतलब काम देगा आपका, ठीक है, बहुत मतलब अच्छा वर्ड है। जैसे एक आपके सामने क्वाइट है, अच्छा ये एक वर्ड आता है क्वाइट, ये ला, इसका मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल, याद रखेंगे बिल्कुल। एक क्वाइट हो गया, काल्म हो गया, सीरीन हो गया, ट्रैंक्विल इसका एक वर्ड आता है, ट्रैंक्विल आता है, हालक्यून आता है ना, हालक्यून, इतने सारे वर्ड है, क्वाइट है, काल्म है, सीरीन है, ट्रैंक्विल है, हालक्यून है। और भी मैं कुछ वर्ड दिए इसमें लिखाना चाहूंगा आपको, तो आप लिख सकते हो प्लेसिड, प्लेसिड मतलब भी शांत होता है, प्लेसिड है, ठीक है। बाकी सारे खत्म वर्ड हो गए, और कोलहाल में बहुत सारे वर्ड आपके बन जाएंगे, ठीक है। कोलहाग में जो एक मेन वर्ड आपका बनता है वो है बाबिल, बाबिल मतलब चिल्लाना। एक बस्टल भी हो जाएगा, बस्टल, एक ऑब्स्ट्रीपेरस, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्स्ट्रीपेरस, ठीक है। तो बाबिल है, बसल है, ऑब्स्ट्रीपेरस, ये तीन वर्ड हो गए। एजिटेशन, इसका देखिए यहाँ क्वाइटनेस में शांति होगा, तो ये दोनों तो कोई वर्ड ही नहीं बनता, सुरली भी नहीं, एजिटेशन इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। क्वाइटनेस का, क्वाइटनेस शांति का, एजिटेशन मतलब क्या, गुस्सा, हलाहल, कोलाहल, एजिटेशन। तो कोलाहल का बाबेल, बस्टल, ऑब्स्ट्रीपेरस, एजिटेशन, आप नोआईजी भी लिख सकते हो। अच्छा एक और सवाल पूछा हुआ था बाबेल, देखिए बाबेल भी पूछा हुआ सवाल था, और इसका एंटोनिम हो जाता क्वाइट, बाकी ये सब फालतू वर्ड थे, है ना। एक रिजर्व भी हो सकता था, आप यहाँ रिजर्व मतलब भी लिख सकते हैं, रिजर्व मतलब शांत रहने वाला, रिजर्व, ठीक है, देखिए रिजर्व, रिजर्व मतलब शांत रहने वाला। तो प्लेसिड, ये तीनों प्लेसिड भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, तीनों इसके सरोनिम हो जाते हैं। कम्युनिकेटिव इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है, मतलब बोलने वाला। रिजर्व मतलब कम बोलता है, कम्युनिकेटिव मतलब ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। ऑब्स्ट्रीपेरस देखिए, वो भी मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब कोलाहल होता है, तो नोइजी इसका सरोनिम हो जाता, और ये जो तीनों वर्ड है वो इसका एंटोनिम हो जाता। साइलेंट भी लिख सकते हो, साइलेंट, साइलेंट, मास्टर लोग तो बोलता ही है
और लिखे देखिए, केओटिक हो सकता था, केओटिक पूछा हुआ सवाल है, केओटिक, ट्यूमल्टुअस ये भी पूछा हुआ सवाल है ना, ट्यूमल्टुअस उठापटक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्यूमल्टुअस। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, आप सारा मतलब शांति का और जो है कोलाहल का, है ना, तो कितने वर्ड हो गए? मेरे ख्याल से इसी में 10 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 वर्ड, है ना। मुझे लगता है कि यदि मैं जीडी का लगभग जो 220 क्वेश्चन है, अगर मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ ना, तो मुझे ही नहीं लगता कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बचने वाला है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ जीडी 23 के ही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ आपके सामने, तो एग्जाम का मुझे ही नहीं लगता कि कोई भी सवाल बचने वाला है, क्योंकि अगर मैं एक वर्ड आ रहा है तो मैं आपको उसमें 15 वर्ड बता पा रहा हूँ, ठीक है। 15 वर्ड, 10 वर्ड, 12 वर्ड, 8 वर्ड तो मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, लेकिन 8 वर्ड तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लिटरली टेल से ऊपर जब जा रहा हूँ। तो आप जो है एक दो वर्ड मत पढ़े, इतना सारा पढ़े, और ये क्या इसलिए आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। आपको क्या लग रहा है, शांत वाला एक बार अभी आ गया तो आगे नहीं आएगा? आएगा, आएगा सवाल, निश्चिंत रहिए, आगे आएगा। उस समय आपको ये सारे वर्ड आपके दिमाग में दौड़ने चाहिए, जिस तरह अभी मेरा दौड़ता है ना, उस तरह आपके भी दौड़ने चाहिए। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। देखिए एक वर्ड इसके यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, एक्यूज करना। एक्यूज मतलब क्या होता है? आरोप लगना, दोषारोपण करना, आरोप लगाना, आरोप लगाना या दोषारोपण करना, ठीक है, दोनों वर्ड लिख सकते हो, दोषारोपण करना, दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। और इसका उल्टा में लिख सकते हो मुक्त करना। मुक्त मतलब क्या? आरोप मुक्त करना, सिंपल, आरोप मुक्त करना। आरोप मुक्त करना का क्या क्या हो सकता है? जैसे डिफेंड करना आप लिख सकते हो, डिफेंड करना, फ्री करना, ठीक है, डिफेंड करना, फ्री करना, एक्विट करना, है ना, ये भी वर्ड, ये 3 वर्ड इसके होते हैं। अब दोषारोपण के कई वर्ड है, जैसे एक्यूज करना, एक्यूज करना, एरेंग्न करना, एरेंग्न, एरेंग्न मतलब होता है, अच्छा, एरेंग कोर्ट के 3 वर्ड है, कोर्ट में ले जाने वाले 3 वर्ड है, यानी कोर्ट में किसी को दोषारोपण करना है ना, उसके लिए एरेंग होता है, श्यू होता है ना, इंडिक्ट होता है, इंडिक्ट होता है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे एक्यूज का ये सरनिम हो जाता, ये सरनिम हो जाता, ये सरनिम हो जाता, ये आपका क्या है? एंटोनिम हो जाता है, यही आपका सही आंसर होता। तो आप यहाँ पे एलेग भी लिख सकते हो, एलेग, यानी एक्यूज करना, एलेग करना, एरिंग करना, स्यू करना, इंडिक्ट करना, इनक्रिमिनेट करना, 3 वर्ड हो गया। और मैं भी लिखता हूँ, एक इम्प्लीकेट करना होता है, इम्प्लीकेट करना, इंडिक्ट करना, इम्प्लीकेट करना, ठीक है। तो एक होता है प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करना, आरोप लगाना, प्रोसिक्यूट, ठीक है। तो ये भी सारे वर्ड है, PROSECUT, प्रोसिक्यूट। इतने सारे वर्ड है पढ़े, मेरे ख्याल से यहाँ भी 10-15 हो गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ड मैंने आपको इसमें बताए, है ना, टोटल 11 वर्ड। अब ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि इंडिक्ट से ही दे दे, इनक्रिमिनेट से दे दे, प्रोसिक्यूट से दे दे, एरेंग से बना दे, एक्यूज से बना दे, बनेगा तो यही वर्ड, बनेगा तो यही वर्ड। तो आपको अच्छे से पढ़ना, इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। देखिए ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया था, एरेंग का, एरेंग का ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया था, एरेंग, एरेंग मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। तो एक्यूज मतलब आरोप लगाना, चार्ज मतलब भी आरोप लगाना, इंडिक मतलब भी आरोप लगाना, तो फ्री मतलब क्या हो जाता? इसका एंटोनिम हो जाता है ना, ये पूछा हुआ सवाल था। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है, सेकेंड लास्ट वर्ड है, ठीक है। देखिए ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, ग्रम्बल मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, कोलाहल मचाना, कोलाहल मचाना, ठीक है, कोलाहल मचाना, बड़बड़ाना मतलब क्या है? चिल्लाना। अब जितना भी मैं इससे पहले बता चुका हूँ वो हम फिर से रिवाइज करते हैं आपके सामने, हम फिर से लेकर आता हूँ कि आपको कितना याद है बड़बड़ाना या कोलाहल करने का, ठीक है। तो एक तो पहले वर्ड था एजिटेशन, एजिटेशन था, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, एजिटेशन था, बाबिल था, बस्टल था, बस्टल था, ऑब्स्ट्रीपेरस था, ऑब्स्ट्रीपेरस था, ऑब्स्ट्रीपेरस, है ना, नोएजी था, नोएजी था, क्योटिक था, क्योटिक, क्योटिक था, और एक ट्यूमल्टुअस था, ट्यूमल्टुअस, 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 है ना। इतने सारे वर्ड थे आपके सामने, कोलाहल, बड़बड़ाना, एजिटेशन, बाबिल, बस्टल, नोएजी, क्योटिक, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। अभी मैंने आपको स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला का भी सारा बताया कि जो खर्चीला होता है और जो सेव करके चलता है, वो भी सारे वर्ड मैंने बताया। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। बार बार वर्ड जितना बार पढ़ने को मिले उतना बार पढ़िए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है इससे। आप लगता है कि आपका समय बच जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं, जब आदि नहीं होगा तो बचा कर क्या फायदा। देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ पे फ्रूगल एक वर्ड बताया था, कंजूस, तो फ्रूगल के उल्टा बताया था, इधर आप सोचिएगा प्रोडिगल होगा, प्रोडिगल होगा। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड था इकोनॉमिकल, मैंने बताया था इकोनॉमिकल, यानी जो कम खर्चा, प्रोडिगल, फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है। एक बताया था मैंने कि पारसी लोग कंजूस होता है, लेकिन लिटरली पारसी लोग बहुत अमीर होता है, इसको लिए पारसी मुनिस कंजूस। अब यहाँ पर 3 वर्ड आपके सामने आया था, वो 3 वर्ड क्या क्या थे? टाइट वार्ड था, टाइट वार्ड था,
स्क्रूज था है ना, स्क्रूज था और स्क्रीन लिफ्ट था ना, स्क्रीन लिफ्ट था शायद है ना, स्क्रीन लिफ्ट ठीक है। तो ये तीन वर्ड थे इधर कंजूस के। खर्चीले में क्या क्या वर्ड आ गया था आपका, प्रोडुगल आ गया था है ना, लैविस आया था, लग्जरी आया था है ना, लेविस था, लग्जरी था, प्रोडिगल था, ये तीन वर्ड थे। और भी वर्ड आप एक्स्ट्रा वेगेंस डाल सकते थे, एक्स्ट्रा वेगेंस जो ज्यादा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा वेगेंस। अब मैंने बताया था कॉपियस बताया था, बोंटीफुल बताया था, कॉपियस बताया, बोंटीफुल बताया, बोंटीफुल। और एक यहाँ पर वर्ड आया था स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो वर्ड जितने बार रिवाइज हो, जितने बार रिवाइज हो आप उतने बार उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही कंक्लूड करते हैं, धन्यवाद।